गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोर्स के बारे में जानेंगे। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी कायर के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने झुकना ही सिखाएगा। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि हमें शेर के साथ रहना है या कायर के साथ रहना है, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही आपको मोटिवेट करते हैं और आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो ये डिसीजन आप पे है कि आप क्या चूज करते हो। अगर अच्छी लाइफ चाहते हो तो अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे PDF प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 9 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? Who has become the 95th latest member of the International Solar Alliance? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा चील। चीले हाल ही में 95th latest member बने हैं International Solar Alliance का। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो चीली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA International Solar Alliance का 95वें सदस्य बन गया है। चीली ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव आर्थिक कूटनीति अभिषेक सिंह के साथ चीली के राजदूत जुआन अंगुलो की बैठक के दौरान ISA अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा है। तो जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कि क्या है इसके पॉइंट। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोग मंच है। ये ISA की कल्पना सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास जुटाने के लिए भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। इसकी संकल्पना 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के 21वां पार्टियों के सम्मेलन COP21 के मौके पर की गई थी। तो ये था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मामले में कि भारत और फ्रांस मिलके ही इन्होंने ISA को स्टार्ट किया था और इसके अभी हाल ही में मेंबर बने हैं जिसका नाम है चिली। चिली इनका हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां मेंबर बना है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? Who has released the report Making Our Future New Directions for Human Development in Asia and the Pacific? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा UNDP. UNDP के द्वारा हाल ही में Making Our Future New Directions for Human Development in Asia and the Pacific हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी की गई है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हाल ही में 2024 एशिया प्रांत मानव विकास रिपोर्ट मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट के सकारात्मक निष्कर्षों में से एक यह है कि 2015-16 और 19-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाली भारत की आबादी का हिस्सा 25 से गिरकर 15% हो गया है। तो ये हमारे लिए फायदे वाली चीज है और ये हमारा इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लेवल में पहले 25% थी अब वो गिर के 15% हो गई है, यानी कि कम गरीबी हमारे देश में बनी हुई है। तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, भारतीय सेना ने हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? हमारा राइट आंसर जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में इंडियन आर्मी रिसेंटली ने ऑर्गेनाइज किए हैं चाणक्य रक्षा समावत 2023। तो जानते हैं इनके बारे में। भारतीय सेना ने सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज CLAWS क्लॉज के सहयोग से दक्षिण एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया है, जो 3 और 4 नवंबर 2023 को मानकेशा सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 6 अलग अलग सत्रों में आयोजित यह कार्यक्रम भारत और भारत प्रशांत क्षेत्र व्यापक सुरक्षा के लिए सहयोग विषय पर केंद्रित था।
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने एक विशेष भाषण भी इसके उपलक्ष्य में दिए थे। तो हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा एक कोलैबोरेशन सेंटर को लॉन्च किया गया जिसका नाम था लैंड वॉरफेयर स्टडीज, जिसको हम लोग क्लॉज के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023, जिससे हमारे इंडियन आर्मी को और मजबूती मिलेगी उनके सिक्योरिटी को चैलेंजेस को लेकर साउथ एशिया में और पैसिफिक रीजन्स में। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में चर्चा में आया ऑपरेशन ऑल क्लियर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान से ये संबंधित है ऑपरेशन ऑल क्लियर। तो जानते हैं इसके बारे में, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये है भूटान का मैप। भूटान नरेश जिग्मे खशेर नामग्याल वांगचुक ने असम की, यानी कि जो भूटान के किंग थे जिनका नाम है जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, इन्होंने एक इतिहास रचा है ऐतिहासिक 3 दिवसीय यात्रा की, जिसमें असम और भूटान द्वारा साझा की गई 265.8 किलोमीटर की सीमा के बावजूद यह किसी भूटानी राजा की राज की पहली यात्रा थी। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह उस तनावपूर्ण अवधि के बाद आई थी जिसमें 1990 के दशक से पड़ोसियों के बीच शांतिपूर्ण संबंध जटिल हो गए थे, जब असम के विद्रोही समूहों ने दक्षिण पूर्व भूटान में शिविर स्थापित करना और जंगलों से संचालन करना शुरू कर दिया था, तो ये विवाद छिड़ा हुआ था। तो इस विवाद को शांत करने के लिए भूटान के किंग जिग्मे खेसार जी ने इंडिया के साथ समझौता किया है। तो ये ऑपरेशन ऑल क्लियर क्या है? तो 15 दिसंबर 2003 को रॉयल भूटान आर्मी द्वारा शुरू किया गया था और इसने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन KLO का झटका भी दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में चलते हैं। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। हाल ही में इंडियन हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो चलिए जानते हैं क्या है पॉइंट्स। जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया के जौहर बहारू में तमन दया हॉकी स्टेडियम में शूट आउट में पाकिस्तान को 6-5 से हराकर सुल्तान जौहर कप 2023 में कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीतने वाला जर्मनी है और फाइनल में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूट आउट में 3-1 से हराया और 11वां सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 मलेशिया के जौहर में आयोजित किया गया था। तो कौन फर्स्ट विनर है? तो जर्मनी। ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है? तो हमारे प्यारे भारत इंडिया को मिला है। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में आया ग्लोबल बगोटा डिक्लोरेशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन से संबंधित है ग्लोबल बगोटा। तो चलिए क्या है ग्लोबल बगोटा? हाल ही में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिका देशों में दुनिया की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बोगोटा कोलंबिया में एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इस घोषणा में यह भी बताया जा रहा है कि अपनाने वाले देशों में शामिल है बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। 1980 के दशक के बाद से नदी डॉल्फिन की संख्या में 73% की भारी गिरावट आई, जिसमें डॉल्फिन के बारे में जागरूकता और संसाधन आवंटन और भागीदारी बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है ताकि हम लोग डॉल्फिन को बढ़ावा दे सके और इनको विलुप्त होने से बचा सके। तो वर्ल्ड रिवर डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और अभी हाल ही में 11 एशिया और साउथ अमेरिका मिलकर एक बगोटा को चलाया है जिससे 6 प्रजातियों को बचाया गया रिवर डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, क्रिकेट का होगा ये, सैयद मुश्ताक अली क्या है? तो ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। तो हाल ही में किसे मिला है? तो पंजाब के टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से विनर हुए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है इनके पॉइंट्स। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 पंजाब ने बड़ौदा को हराकर पहला खिताब जीता है। तो अनमोल प्रीत सिंह ने अपना पहला T20 शतक बनाने के लिए बिल्कुल सही दिन चुना क्योंकि उनकी 113 रन की पारी की बदौलत पंजाब ने यहां IS बिंद्रा स्टेडियम में फाइनल में बड़ौदा को 20 रन से हराकर अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में विश्व स्थानीय उत्पादन मंच कहां आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड में हाल ही में सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम को लॉन्च आयोजित किया है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल हेग में दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम में भाग लेने के लिए शनिवार 4 नवंबर 2023 को नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये फोरम कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो द हेग में, ठीक है। तो हमारे इंडियन डेलीगेशन से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर भगवंत खूबा जी 4 नवंबर को ही नीदरलैंड के लिए निकल गए हैं ताकि इस फोरम में सबमिट हो सके। द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन इसी महीने की 6 से 8 तारीख तक किया जा रहा है। तो चलिए, विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर बनाया गया एक मंच था। इस वर्ष मंत्रियों और वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य विकास भागीदारियों के नेताओं और प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वित्त संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से 800 उच्च स्तरीय प्रतिभागियों को शारीरिक रूप से बुलाने की उम्मीद है, जिसमें निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षा जगत का कल्याण किया जा सकेगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दौरान वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजित किया गया है। तो कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है, तो द हेग में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 7वां गंगा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 7th गंगा फेस्टिवल को आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित गंगा उत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली के मध्य में आयोजित किया गया। इस वर्ष के समारोह का उद्घाटन जल शक्ति मंत्रालय के BOWR और RD और GR सचिव देवाश्री मुखर्जी और NMCG के विशेष सचिव और महानिदेशक जी अकोश अशोक कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। हाल ही में CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण माधुकर। प्रवीण माधुकर को हाल ही में ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ CBI नियुक्त किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनके बारे में। प्रवीण मधुकर पवार IPS को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्री प्रवीण मधुकर पवार, ये एक IPS है कर्नाटक 2003 बैच के, जो शामिल करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्हें पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 5 साल की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए इस पद पर नियुक्ति किया गया है। तो किन्हें नियुक्ति किया गया है, तो प्रवीण मधुकर जी को ज्वाइंट डायरेक्टर का CBI बनाया गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 8 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत हाल ही में लॉन्च किया गया अंतिम युद्धपोत कौन सा है, तो सूरत है। क्वेश्चन नंबर 2, NTPC REL की पहली नवीकरणीय योजना दयापर पवन परियोजना कहाँ शुरू की गई, तो गुजरात में शुरू की गई है। भारतीय वायुसेना ने ईस्टर्न स्काई एक्सरसाइज का आयोजन शिलोंग में किया है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइट ग्रेड स्विस शतरंज चैंपियनशिप का महिला वर्ग का खिताब R वैशाली जी के द्वारा जीता गया है। NMDC लिमिटेड हाल ही में देश में पहली सोना की खदान लॉन्च की है, कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत के मुख्य आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हीरा लाल समाड़िया जी को। क्वेश्चन नंबर 7, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीता, तो इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो केरला राज्य शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडोनेशिया में खोजे गए मिस्र में भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है, तो पुंडेन बेरुंडक नाम है सबसे पुराना मिस्र में जो सबसे पुराना पिरामिड है उससे भी पुराना खोजा गया है इंडोनेशिया में। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, हु अमोंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पेश किया था। ऑप्शन ए सर एसले एडन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर जॉन अर्बुथनोट, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन या ऑप्शन डी लॉर्ड स्टेनली। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे इंडियन एक्सरसाइज विद अदर कंट्री के साथ, इंडियन एक्सरसाइज जानेंगे दूसरे कंट्री के साथ क्या क्या एक्सरसाइज होती है। तो पहला एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति को
किसके साथ होता है? तो इंडिया और श्रीलंका के साथ ये एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है मित्र शक्ति। दूसरा है स्लिमेक्स, इंडिया और श्रीलंका के साथ ये एक्सरसाइज होता है स्लिमेक्स। मैत्री एक्सरसाइज किसके साथ होता है? तो इंडिया और थाईलैंड के साथ, और सियाम भारत भी होता है इंडिया और थाईलैंड के साथ। वज्र प्रहार किसके साथ होता है? वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के साथ, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वज्र प्रहार एक्सरसाइज होता है। ये था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। जय हिंद जय भारत दोस्तों।